ऐसे ही हिंदी कॉमेडी वीडियोस के लिए अभी मूवी का मजा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी वीडियो मिस ना करने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूले। धन्यवाद। फॉर मोर सच हिंदी कॉमेडी वीडियोस सब्सक्राइब टू द मूवी का मजा यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन टू नॉट मिस एनी वीडियोस। थैंक यू। बात नहीं करना। ऐसा ही है अमित जी। अरे लोग बोल रहे हमारी जोड़ी जैसी जोड़ी नहीं है। हाँ तो सच भी बताना जरूरी है। हाँ बिल्कुल ऐसी जोड़ी नहीं है कि 10 प्रश्न से आगे हाँ। हम पूछ नहीं सकते हैं। ओके अमित जी। हाँ जी। अरे ये तो कागज आ गया हाथ में। आप दोनों का शादी हुए इतने साल हो गए तो मुझे जानना है कि आप दोनों अपनी बीवियों को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं। इससे पहले कि आप हमसे प्रश्न पूछें, मैं जानता हूं कि बड़े कठिन प्रश्न आने वाले हैं। एक बात बता दूं मैं आपको जिन्हें, जो कि एक्चुअली इनको बोलना चाहिए था, ये जो गले में आपने हार पहना है कितना खूबसूरत। सर क्या ये टेक्निक आपको जान लेना चाहिए? सर मैं भी कुछ बोलना चाहता हूं। बिल्कुल जिनी लिया, ये हार जिस गले पे है क्या खूबसूरत गला। आप तो बहुत एक्सपीरियंस है तो थोड़ा इनको भी बता दीजिए। ठीक है। अगर वो कहे कि वो अपने बर्थडे पर कुछ स्पेशल प्लान नहीं करना चाहती या फिर उसे बर्थडे पर कुछ गिफ्ट नहीं चाहिए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सर्टनली गिफ्ट आना चाहिए और है कि नहीं, सर्टनली गिफ्ट आना चाहिए और सेलिब्रेशन भी होना चाहिए। सुपर ना। ये देखिए तजुर्बा है। अच्छा मेरा तजुर्बा अलग है। अच्छा ये मतलब जब हम डेट करते थे तो अगर मैं इन्हें कोई गिफ्ट मैंने इनको दे दी तो मैं पूरे साल तक इन्हें फिर गिफ्ट नहीं दे पाऊँ। अच्छा ऐसा था। इनको शॉपिंग पे लेके जाओ तो ये शॉप नहीं करते, इनको गिफ्ट से कुछ लेना देना नहीं। हाँ इनके लिए गिफ्ट है कि आप मुझे वक्त दे दो बस। और 10 अरे कितना अच्छा गिफ्ट है। कितनी अच्छी बात है कि समय दे दीजिए। समय दे दीजिए बाकी रहे। बिल्कुल सही बात है। मैं ऐसा मानता हूँ कि हर पत्नी जो है वो यही कहती है कि हमें ये सब गाड़ी वाड़ी गहने वहने नहीं चाहिए, अपना समय दे दीजिए, थोड़ा सा समय बिताए कीजिए हमारे साथ। कितनी पत्नियां सब बहुत खुश हो रही हैं। क्या बात है। ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट अच्छा। आपकी वाइफ के 5 मिस कॉल्स हो और आपने उसे 1 घंटे के बाद देखा तो क्या होने के चांसेस है? अर्थक्वेक। यानी कि बम गिर जाएगा जी। और 1 घंटे के बाद जब आपने किया जी, आपके पास कितने मोबाइल हैं जी? 2 हैं। 2 क्यों रखे हुए हैं? एक भी तो आपने उठाया नहीं। इतनी देर से 5 बार हमने कॉल किया आपको, आप उठाते नहीं है फोन। सर 1-2-3 घंटे तक ये आपको सुनना पड़ेगा जी कि जब हमने फोन किया जी तो आपने क्यों नहीं उठाया और 1 घंटे के बाद आप हमसे बात कर रहे हैं। चलो भैया हो गया, अभी तो बताओ क्यों फोन किया था। आज रात को खाना क्या खाएंगे आप? वो लेजेंडरी क्वेश्चन है। और ये मतलब कि इतनी इम्पोर्टेंट बात हो गई है तो उसके लिए 5 बार फोन किया, 1 घंटे का बर्बाद आप वापस जवाब दे रहे हैं जी केवल इसके लिए कि क्या खाना खाएंगे। सही कह रहा हूँ कि मैं? नहीं है ना? नहीं सही है ना? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। गीला टॉवल बेड पे छोड़ के चले जाने पर क्या होगा? सर एक और अर्थवेक आएगा। सर आई हैव टू शेयर वन एक्सपीरियंस। हाँ जी। मैं पहली बार घर आया था और मैं जब सोफे पे बैठा ना आपके लिविंग रूम में तो मुझे ऐसा लगा मैं म्यूजियम में आया हूँ कि कहीं कुछ टच नहीं होना चाहिए तो मैं ऐसे बैठ गया। फिर दूसरा वाक्य, हम लोग सर हम सभी अनफॉर्गेटेबल टूर के लिए बिल्कुल शो कर रहे थे और आप जैसे शो खत्म होता था आपके रूम में हम सब खाना खाने आते थे, तब मैं बैठा था, प्रीति बाजू में बैठी थी और जय आंटी सामने बैठी थी और प्रीति कुछ सिंक चने खा रही थी, 1-2-3-4, उसका कचरा नीचे गिर रहा था एंड जया जी वॉज जस्ट लाइक दिस। तो मैंने प्रीति को बोला, प्रीति वो सॉरी जया आंटी सर बिल्कुल सही है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। जब आपकी पत्नी कहती है मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, तो इसका मतलब क्या है? शी इज नॉट फाइन एट ऑल। सॉरी सर ये हर महिलाओं के लिए ऐसा ही है। जब वो बोलते हैं कि आप पूछे हाउ आर यू, आई एम फाइन, मतलब कि फाइन नहीं है, कुछ गड़बड़ है, आपने पूछा नहीं हमसे कि
और बता दिया उन्होंने. I'm telling you, this is the fact, sir. आप बताइए क्या? नहीं सर, how are you? I'm fine. अब ये I'm fine है ना, तो ऐसे लगता है मैंने क्या किया, कब किया, कब नो आमे जी, ये जब मुझे पूछते हैं कि how are you, I'll say I'm fine. He will go to sleep. मतलब ये क्या? अच्छा मतलब I'm fine, मतलब I'm not fine. मैं 10 बार हाँ ये सही कहा आपने. मैं 10 बार जब आप बोलेंगे I'm fine तो सो ही जाएगा ना, और क्या करेगा? ठीक है, everything is fine. No. I mean, he's some men support also. If you're not fine, why can't you say you're not fine? Why can't you understand? उल्टा प्रश्न मैं कह रहा हूँ. ना हमसे बोल दीजिए ना, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे बात मत करो, और बात करने के बाद सो भी मत जाना, कुछ भी बोल दीजिए ना. लेकिन वो एक सार्केस्टिक होता है ना रिमार्क, आई एम फाइन. मतलब गंभीर समस्या है. हमको कैसे पता चलेगा कि गंभीर समस्या है? सर मैं तो सोच विचार में पड़ जाता हूँ कि मैंने क्या किया. 5 घंटे कल कुछ किया था, मैंने कुछ बोला था, मैंने खाया था लास्ट टाइम, फिर कभी कभी पिछले जन्म में भी जाता हूँ मैं, कि तभी मैं वापस आ जाता. नेक्स्ट क्वेश्चन अमित जी, मैं कैसी लग रही हूँ? ब्यूटीफुल. या यू जस्ट आई फूलों का तारों का. इसका जवाब देने में यदि 2 सेकंड लग जाए तो क्या होने की संभावना है? यानी उनको सर ये है कि मैं बताऊं आपको कि वो मान लीजिए कहीं जा रहे हैं और कपड़ा बड़ा पहन लिया है सब, तुरंत बोल देना चाहिए आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, है ना, तुरंत बोल देना चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा. मैं बताऊं आपको, भूकंप आ जाएगा. सर मैं क्या करता हूँ, जब भी प्लान बनता ना कल हम डिनर कर ले बाहर जाए, तो मैं बोलता हूँ कल क्या खूबसूरत लगोगी तुम. पहले ही बोल देना चाहिए. सही कहा आपने. महिलाएं जब जाती है ना पार्लर में जी, क्या करवा के आई हैं वो हमको नजर नहीं आता. बिल्कुल सर, बिल्कुल सर. नहीं सही सही सही, सही, सही बोल रहे हैं कि नहीं भाई साहब? अब सर ये बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, कहाँ पर भौहें निकाली हैं, कहाँ पर बालों को संवारा है, किस तरह का शैम्पू इस्तेमाल हुआ है, कहाँ ब्लो ड्राई हुआ है, ये सब कौन जाने? हमको नहीं मालूम इसके बारे में. जी सर. लेकिन वो चाहती है कि आप उसको नोटिस करें. तो जब वो पार्लर से, मान लीजिए पहले तो पता होना चाहिए कि गए हैं पार्लर, तो पहले ही घर वालों से पूछ लें, अच्छा मैडम कहाँ है? सर वो पार्लर गए. अच्छा अच्छा. तो जैसे ही वो आ गए, अरे कितनी अच्छी लग रही है, डन समथिंग टू योर फेस टुडे, बाल बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, हमको कुछ मालूम नहीं इसके बारे में, लेकिन बोल देना बहुत आवश्यक होता है. यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल. सर कितने मर्द हैं, कितने खुश हो रहे हैं. हमारी ऑब्जर्वेशन ठीक है कि नहीं भाई साहब? ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए.